नवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दक्षिणी इलाके में अपना चुनाव प्रचार किया गया। इस दौरान बिट्टू ने कहा कि हलके का विकास करने की बजाय बैंस भाई अपना विकास करवा रहे हैं और लगातार पिछले लंबे समय से लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे हैं। इस दौरान बिट्टू ने लोगों से बातचीत की और उनकी मुश्किलें भी जानी। मैनू तो समझ नहीं आती, मैं तो सोचता सी कल्ली डिवेलपमेंट का ही रौला है, पर थोड़े मूहरे आने मैं तो घेर घेर के कोई कहता इस एरिए जिन्ना बैंस साहब के आ चिट्टा है इस एरिए सब तो वध आ, कोई कहता भी आ परचे जोड़े लेडीज़ से करवाए ने दफ्तर जाके आ बर्बाद होए हुए ने, आ बुजुर्ग कही जाता भी मेरे काम नहीं होने दिया कागज दे जाते मैं, पर गल करदा यह पुलिस कमिश्नर नाल भी की रौला ये पिछे सारी यदि जाँच करते हैं। हजे एकदम मैं किसी फैसले ते नहीं पहुंचना चाहिए एकदम, पर मैं इस गल बारे जांच करवा के सीपी तो इसका पता लगा। मैं बिट्टू साहब को कहना चाहती हूँ भैंस के अपनी अथी उनको अथी शासन में हमारे सब बच्चों पे जुलुम हो रहे। इंजीनियरिंग बीटेक करने वाले मेरा बेटा था, तीन बेटा विद्यार्थी हैं, उनको छूटे पर्चे में अपनी पावर करके राजनीति का शिकार बना के मेरे बच्चों के जेल में भेज दिया गया है। साल भर से जेल में है मेरे बच्चे। हाँ बिट्टू, हम जाँच लगाना चाहते हैं, हम जाँच के लिए खड़ा है, जिंदा है, और बस मरने पर पूरा परिवार को मजबूर किया गया मरने पर। और एक बच्चा नाइट ड्यूटी करके वो अपनी पढ़ाई दो भाई का भी पढ़ाई पूरा करता था, और उस बच्चे को आज साल भर से उस बच्चे पे जुलूम इतना ज्यादा हुआ है भैंस साहब ने किए हैं भैंस साहब में। और मैं वहाँ पे जाके बोलूंगा, उनको सामने बोलूंगा, समरजीत खुद बोला मैंने पर्चा करवाया है, मैंने गिड़गिड़ाया उनको दफ्तर में, मेरे बच्चे गया, फिर भी उन्होंने हमारा एक भी नहीं सुना, सच्चाई लभने का कोशिश नहीं की उन्होंने। आज वार्ड नंबर 32 में मैं गुलजिंदर सिंह गिल, ये मेरा वार्ड है। ये वार्ड दे विच असी कई दिन तो मेहनत करके डोर टू डोर होके असी सारे वोटरां नूं अपील कीते कि सरदार रवनीत सिंह बिट्टू नूं वोटां पा के कामयाब करो।